थ्योरम 9.6 कॉर्ड्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। एक वृत्त के केंद्र से सम दूरस्थ जीवाएं लंबाई में समान होती हैं। तो यहां पर यह कहा गया है कि ये वृत्त का सेंटर है और यहां पर दो यहां पे कॉर्ड्स हैं ए बी और ये सी डी। तो ये कह रहा है कि ये दोनों जो कॉर्ड्स हैं ये सेंटर से समान दूरी पर हैं, ये सेंटर से समान दूरी पर है। तो हमें यहाँ पे प्रूव करना है कि ये जो दोनों कॉर्ड्स हैं ये लंबाई में जो है इक्वल है, ये लंबाई में इक्वल है। तो यहाँ से हमने लिख लिया है गिवन ओ एम इज इक्वल टू ओ एन। तो यहाँ पे ओ एम ओ एन ये हमें दिया हुआ है कि इक्वल है, बराबर है, दूरी जो है सेंटर से बराबर है। टू प्रूव सिद्ध करना है ए बी इज इक्वल टू सी डी। ये जो जीवा ए बी है और जीवा सी डी कॉर्ड्स हैं ये जो है इक्वल है, ये हमें प्रूव करना है। तो इसमें हम थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन इसमें हम क्या करेंगे, बी को ओ से मिला देंगे और डी को ओ से मिला देंगे। जॉइन बी ओ एंड डी ओ। अब यहां पे दो ट्रायंगल हमारे पास बन गए और इन दोनों ट्रायंगल्स को हम लेंगे और कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। तो यहां पर ये हमारे पास कॉर्ड है, जब भी कॉर्ड पे कोई लाइन परपेंडिकुलर होती है तो जो है 90 डिग्री एंगल वो बनाती है। तो यहां पे 90 डिग्री एंगल है, ठीक है। प्रूफ, इन ट्रायंगल बी एम ओ एंड ट्रायंगल DNO, इन दोनों ट्रायंगल में हम कंपैरिजन करेंगे। तो सबसे पहले एंगल M एंगल N ये इक्वल है 90 डिग्री, एंगल M इज इक्वल टू एंगल N और रीजन में ईच 90 डिग्री। ओ बी ओ डी ये जो है सर्कल्स की रेडियस है और ये इक्वल होती है। तो लिख सकते हैं ओ बी इज इक्वल टू ओ डी। रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं और ओ एम इज इक्वल टू ओ एन ये हमें गिवन है। ओ एम ओ एन के बराबर है, पहले ही दे रखा है। तो लिख सकते हैं हम गिवन। तो यहां से हमारा आगे एंगल राइट एंगल है आर, ये हमारा ओ बी ओ डी, ओ बी ओ डी हाइपोटेंस है राइट ट्रायंगल में, ये हाइपोटेंस कर्ण है। तो ये हमारा एच हो गया और ये ओ एम ओ एन ये हमारा साइड से, तो यहां से आ गया यस। इस प्रकार आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी रूल से दोनों ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रुएंस है। तो यहां हम लिख सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल बी एम ओ इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल डी एन ओ by आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी रूल। जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हैं तो हम यहां पे कह सकते हैं कि इनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होंगे। तब ये जो हमारे पास एम बी है ये एन डी के इक्वल है। तो हम लिख सकते हैं एम बी इज इक्वल टू एन डी।
और यहाँ रीजन लिख देंगे हम बाय सीपीसीटी, सीपीसीटी से एमबी और एनडी दोनों इक्वल है। और यहाँ पर ये जो एमबी और ये एनडी हैं ये एबी और सीडी के हाफ हैं, तो यहाँ हम लिख सकते हैं एमबी के स्थान पर 1/2 AB और एनडी के स्थान पर 1/2 CD। और रीजन में हम लिख देंगे बिकॉज परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड। तो यहां से हाफ हाफ ये कट जाएगा और आ जाएगा हमारे पास ए बी इज इक्वल टू सी डी, और यही हमें प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ।